अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए वन ऑफ माय फेवरेट लग्जरी सैलून का एक वॉकराउंड लेके आई हूँ। ये टोयोटा क्राउन है एथलीट मॉडल, तो इसका आज रिव्यू आप लोगों के लिए करेंगे हम। इसमें इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑप्शंस और इस गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों को बताई जाएगी। ये गाड़ी कहाँ पे अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्त है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं क्रिस्टल इफेक्ट की हेडलाइट्स दी गई हैं। सिंगल पैनल में आपको तमाम इसकी हेडलाइट्स मिलती हैं और इसमें आफ्टर मार्केट LEDs इंस्टॉल की गई हैं, अगर आप यहाँ से इसमें देख सकें। ग्रिल की बात की जाए तो ग्रिल में आपके पास क्राउन का एम्बलम आ जाता है, ग्लॉस ब्लैक में फिनिश की गई है। फ्रंट पे फॉग लाइट्स और एसेस कोई मेजर ऑप्शंस इसमें आपको नहीं दिए जाते, जस्ट लाइक पार्किंग सेंसर्स वगैरह या हेडलैम्प वॉशर। नीचे की बात की जाए, इस पर बॉडी किट इंस्टॉल है, साइड स्कर्ट्स भी दी गई हैं, क्राउन के रिम आपको मिल जाते हैं। और अगर इनके रिम के साइज़ की बात की जाए तो ये 18 इंचेस हैं, 245/40R18। साइड पे आपके पास टर्न सिग्नल्स फेंडर में भी दिए गए हैं और यहाँ पे इंडिकेटर्स आपको साइड मिरर में भी दिए जाते हैं। गाड़ी में सनरूफ दी गई है और 2006 का मॉडल है और 2021 की LV ऑक्शन की ये गाड़ी क्लियर है। अभी गाड़ी 3 लीटर इंजन के साथ आती है, बाकी मैं इंजन कंपार्टमेंट खोल के भी आप लोगों को चेक करूँगा। लेंथ वाइज आप देख सकते हैं कितनी लंबी है एथलीट की बैजिंग। अब इसमें इस तरह की टेल लाइट्स आपको दी जाती थी, इसमें ये LED इफेक्ट वगैरह आपको मिल जाता है। टोयोटा का एम्बलम, क्राउन की बैजिंग, बैक पे भी आपके पास कोई पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल रहे, बट एग्जॉस्ट टिप दोनों साइड पे रियल एग्जॉस्ट टिप्स दी गई हैं। की कुछ इस तरह की है जिसमें लॉक अनलॉक और ट्रंक रिलीज का बटन आपको मिल जाता है। बूट की बात की जाए, बूट के ऊपर आपको स्पॉइलर भी दिया गया है। बूट भी इसका ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन गाड़ियों का बूट ओपन करना, जस्ट बिकॉज कि ये शॉक्स इसमें आपको मिल जाते हैं। एमरजेंसी ट्रायंगल दिया गया है। बूट स्पेस इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की दी गई है। नीचे की बात की जाए तो इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि स्पेयर व्हील इसके नीचे दिया गया है, देन टूल किट इसकी आ जाती है। बूट में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है आपको। अब बूट इसका बंद कर लेते हैं हम, और रिवर्सिंग कैमरा भी इसमें आप लोगों को मिल रहा है। और अब हम चलते हैं बैक साइड में। अच्छा, चारों डोर्स पे आपके पास पैसिव एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है। और मैं बैक साइड से आ चुका हूँ। ऑल ऑटो विंडोज हैं, लेदर सॉफ्ट पैडिंग लेदर, और इवन ये भी आपके पास है, देख सकते हैं सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है। गाड़ी के अंदर आते साथ ही सॉफ्ट मैट्स आपको मिल जाते हैं। वंस अगेन काफ़ी, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मैट हैं। लेग रूम हेडरूम कोई इशू नहीं है गाड़ी में, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम में। ग्रैब हैंडल्स आपको दिए गए हैं, यहाँ से आप इसके जो है मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्मरेस्ट में ऑप्टिमल स्पेस है, सीट्स इसकी फैब्रिक सीट्स हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। रियर व्हील ड्राइव होने की वजह से इसमें आपको काफ़ी मैसिव सा ट्रांसमिशन टनल भी दिया जाता है। रियर एयर वेंट्स हैं, ये डिफरेंट मोड्स के ऑप्शन आ गए, यहाँ से वॉल्यूम नॉब आ गया और यहाँ से चैनल चेंज की ऑप्शन आपको मिल जाती है। और इसमें आर्मरेस्ट को मैं बंद करूँ, आर्मरेस्ट के ऊपर पेन का पोल्टर्स आ जाते हैं, देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट सीट्स हैं इसकी। और अर्ली 2000s की गाड़ी में आपको पता है कि भाई एस्ट्रे तो लाजमी होती थी। स्मॉल सी बॉटल होल्डर, काइंड ऑफ बॉटल होल्डर तो नहीं है, डिसेंट स्पेस आपको मिल जाती है। अब मैं ड्राइवर साइड से आता हूँ और इसके बाकी ऑप्शंस का आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल सीट्स विद लंबर सपोर्ट, फ्रंट भी आपके पास फैब्रिक सीट्स ही दी गई हैं, फ्रंट पे स्पेस भी अच्छा मिल जाता है। अब ये गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, ये मेरे हाथ में किया है, अब मैं ये देख सकता हूँ गाड़ी स्टार्ट हो गई है। यह सेकंड ऑप्शन ये कि आप इसमें की इंसर्ट करके इसको स्टार्ट कर लें या पुश स्टार्ट से कर लें, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है कि आप की इसके बीच में यूँ इंसर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड स्टेयरिंग व्हील है और इसमें आपके पास मर्सिडीज स्टाइल की ब्रेक आती है, नीचे फुट ब्रेक भी दी गई है और ऊपर ई ब्रेक भी आपको मिल जाती है। बात की जाए इंफॉर्मेशन क्लस्टर की, तो 180 का ओवरऑल मीटर है। बीच में आपके पास RPM गेज, फ्यूल गेज, ऑटो आ जाता है,
और नीचे ये हीट गेज दी गई है आउटसाइड टेम्परेचर, और ये बता रहा है कि इस वक्त इसका बूट ओपन है। बाकी आप इसके डिफरेंट ऑप्शंस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ये बटन इसका दिया गया है जिससे आप इसके बाकी ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं। वॉइस कमांड है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है, यहाँ से आप इसके जो मल्टीमीडिया है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ जैपनीज़ में दिया गया है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आ जाता है आपके पास, और ये काइंड ऑफ लैंड क्रूज़र की तरह ही इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो ऑन या ऑफ रखना चाहते हैं। ये डुअल जोन का आ गया, इस साइड पे टीवी डिस्प्ले और ये सीडी चेंजर की ऑप्शन आ जाती है। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद ट्रिप्टोनिक फंक्शन, पेडल शिफ्टर्स इसमें आपको नहीं दिए जाते हैं। नीचे की बात की जाए पावर, ECT, स्नो मोड, देन यहाँ से सस्पेंशन की सेटिंग आपको आ जाती है, स्पोर्ट्स में रखना चाहते हैं या नॉर्मल में रखना चाहते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का आ गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, और हम इसको नॉर्मल मोड में ही रखते हैं। आर्मरेस्ट की बात की जाए तो ये देख सकते हैं आर्मरेस्ट में आपके पास डिफरेंट ट्रेस मिल जाती हैं और स्पेस भी अच्छी दी गई है। देन पॉज सीट कंट्रोल्स आपको ये दिए गए हैं पैसेंजर साइड सीट के लिए। नीचे एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह आपको मिल जाती है, इसमें काफ़ी डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे भी लेदर मटेरियल्स दिए गए हैं। स्विंग का फंक्शन आपको यहाँ से दिया जाता है जो कि क्राउन की एक खासियत है। ऊपर की बात की जाए तो सनरूफ, जैसा मैं बाहर से आपको दिखा चुका हूँ, सनरूफ इस गाड़ी में दिया गया है। देन आपके पास सन वाइजर्स में वैनिटी मिरर विद लाइट, ये ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड्स पे आता है। गाड़ी में कर्टन एयरबैग्स भी दिए गए हैं, ड्राइवर पैसेंजर एयरबैग्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा सीडी चेंजर की ऑप्शन आ जाती है, यहाँ पे एस्ट्रे वगैरह आ गई, सिगरेट लाइटर का आ गया, ट्विन कप होल्डर्स, और ये मटेरियल आप देख सकते हैं काफ़ी एक अच्छी वाइब दे रहा है। इवन यहाँ पे भी लेदर पैडिंग की गई है। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जैपनीज़ में दिया गया है, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पहली बार अगर बंदा बैठता है ना तो यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इन द पैसेज ऑफ टाइम जब आप थोड़ा सा इसके साथ छेड़खानी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इस वक्त ये क्लाइमेट का आ गया, यहाँ से आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल सेट कर सकते हैं, मीडियम पे रखना है, नॉर्मल पे रखना है, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। फैन स्पीड आपने कितनी रखनी है, वो थ्रो किस साइड पर रखनी है, ये सारे ऑप्शन इसमें आपको मिल जाते हैं। फैन की स्पीड यहाँ से लो कर लेते हैं, बाकी यहाँ से हम अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको कहाँ पे रखना चाहता हूँ वो रख लेते हैं। एंड देन यहाँ पे ये डिफरेंट मोड्स आ गए, आई गेस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बट लेट्स सी के टेलीफोन, आई गेस इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं दी गई, बट एनीवेज ये इसके कुछ फंक्शंस फीचर्स से आप चलते हैं। इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताते हैं। ऑटो पे ये गाड़ी आपको 1,23,295 किलोमीटर्स डन है, बाकी यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसकी सैगल मोटर स्पोर्ट्स की न्यू ब्रांच पे 65 लाख रुपीस डिमांड की जा रही है। अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी होगी, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूँ, 2006 का मॉडल है, 2021 LV ऑक्शन की गाड़ी क्लियर है, और एथलीट क्राउन है, 3 लीटर वाली गाड़ी है, और वाइट कलर है, अनरजिस्टर गाड़ी है ये, और 1,22,000 किलोमीटर डन में। एक बार मैं इसका इंजन कंपार्टमेंट भी आप लोगों को खोल के चेक करा देता हूँ। अच्छा, ये AFS ऑफ का बटन दिया गया है, नीचे फ्यूल लेड का आ जाता है, और नीचे ये हुड ओपनर दिया गया। आप चलते हैं हुड ओपन करते हैं, आई होप सो कि इसमें आपके पास हाइड्रोलिक स्टड्स दिए होंगे, इतना ज़्यादा इशू होना नहीं चाहिए इसमें आपको। मेरी कोशिश है कि वीडियो में जितना अनकट रख सकूँ। देख सकते हैं हाइड्रोलिक स्टड्स, 3 लीटर V6 इंजन के साथ ये गाड़ी आती है, शॉक्स वगैरह दिए गए, इंसुलेशन आपको मिल जाती है। सो वेल बॉयज, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, तमाम डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।